हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर 2021। 2021 में कौन से 10 लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत आराम से आपको जॉब मिल सकता है और सबसे अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पैसा मिल सकता है। सो ये जो मैं टॉप 10 लैंग्वेजेस बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ 2021 के लिए ही नहीं, ये आने वाले 2022, 2023, एटलीस्ट 2025, 2026 तक सेम रहने वाला है। सो आप ये मत सोचना कि 2021 के बाद सडनली ये 2022 में चेंज हो जाएगा। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, शायद वन वाला टू पे आ जाए या टू वाला वन पे चला जाए, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये रही पूरी लिस्ट। सबसे पहला, अब मैंने लिस्ट दे दिया, दिखा दिया, तो आप तो वीडियो के यहाँ पे एंड मत करना, सुन दो, क्योंकि साथ में कुछ और भी बताने वाला हूँ। सो जो नंबर वन पे हमारा लैंग्वेज है 2021 में, उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो जावा स्क्रिप्ट इतना फेमस क्यों है? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट से आज के टाइम में आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, आप वेब ऐप भी बना सकते हो, आप जावा स्क्रिप्ट से ऑलमोस्ट हर काम कर सकते हो आज के टाइम में। और अगर आप सैलरी देखोगे लैंग्वेजेस की, तो आज के टाइम में जावा स्क्रिप्ट डेवलपर्स की सैलरी सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है पाइथन। पाइथन क्यों फेमस है? जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लो लेटेस्ट चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, जैसे डेटा साइंस, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लैंग्वेज पाइथन है। और यही रीज़न है कि पाइथन, अगर आप देखो टॉप लैंग्वेजेस के बारे में बात करो, तो पाइथन सेकंड नंबर पे है। थर्ड है हमारा HTML, इसके बिना आप कोई वेब ऐप, कोई वेबसाइट बना नहीं सकते। CSS, ऑब्वियस सी बात है, हर वेबसाइट में HTML CSS यूज होता है, तो ये फोर्थ नंबर पे है। हालांकि अकेले CSS आपको कोई जॉब नहीं दिलाएगा, ना ही अकेले HTML कोई जॉब दिलाएगा, आपको इन दोनों को सीखना होगा और साथ में फोटोशॉप और बेसिक जावास्क्रिप्ट आना चाहिए फ्रंट एंड जॉब के लिए। फिफ्थ नंबर पे है जावा। जावा आज भी बहुत फेमस है और इस पे पैकेज भी बहुत अच्छे मिलते हैं और जॉब्स भी बहुत अच्छी हैं। फिर SQL, SQL एक क्वेरी लैंग्वेज है जिससे हमारा जो सर्वर है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। देन NoSQL डेटाबेस, उसके बाद हमारा C#, रस्ट, पर्ल, गो। सो दिस इज ऑल। अगर आप मुझसे किसी एक लैंग्वेज का नाम पूछो जो आपको 2001 और 2022 में सीखना चाहिए, तो मैं बोलूँगा गो फॉर पाइथन और जावा स्क्रिप्ट। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करो। थैंक यू।